नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। क्या आपने बोगेनवेलिया प्लांट को कभी पानी में प्रोपेगेट कराया है, पानी में ग्रो करा के देखा है? क्या आप इस तरह से बोगेनवेलिया को ग्रो कराना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे ये मेथड कि इसको कैसे पानी में ग्रो कराना है, इसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, कितना समय लगेगा इसको ग्रो करने में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बोगेनवेलिया को ग्रो कराने के लिए, पानी में ग्रो कराने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जार चाहिए, बर्तन चाहिए। और क्या चाहिए? पानी में ग्रो कराना है तो हमें पानी चाहिए और बोगेनवेलिया की ब्रांच चाहिए, इसके बिना तो ग्रो होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है, आपको ब्रांच की पहचान करनी है। ब्रांच कैसा होना चाहिए? तो ब्रांच मोटा होना चाहिए, मतलब मैच्योर ब्रांच होना चाहिए। एकदम से पेंसिल के साइज का अगर ब्रांच लेते हैं आप, उतनी मोटाई का लेते हैं, तो उसके ग्रोथ के चांस, प्रोपेगेशन के चांस बहुत ही कम होंगे। तो एटलीस्ट 2 पेंसिल के बराबर मोटाई का आपको ब्रांच लेना है और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसकी लंबाई है, ये हमने लगभग 12 इंच के बराबर हमने ये कटिंग कर दी है इसकी, आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, इन टुकड़ों को जैसे आपने काट लिया, इसमें जो ग्रीन आपको शूट्स निकलते हुए देख रहे हैं, पत्ते हैं, इनको हटाना है। ऐसे देखिए हमने हटा लिया इसको। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये हटाया क्यों, इसका क्या लॉजिक है, अगर ये इसमें रहता तो क्या हो जाता? दोस्तों इसका लॉजिक ये है कि अगर इसमें हरा पत्ता ज़्यादा इसमें है तो ये इवेपरेशन करेगा, मतलब पानी जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा, चाहे हमने डाली काट ली है फिर भी, तो ये इसमें से नमी लेके बाहर छोड़ते हैं, उसमें क्या होगा, आपकी जो डाली है इसमें नमी कम हो जाएगी, इसलिए हमने ये काट लिया। अब ये जार है, जार में हमने क्या किया, पानी डाल दी। ये देखिए ये हमने इसमें पानी डाल दिया और ये ऐसे डाल दिया। ये प्रोपेगेट हो जाएगा क्या? इतना सिंपल है? नहीं, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आपका कोई कटिंग पानी में कितना अच्छा चलेगा, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है उसमें रूट रॉटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ये गलना नहीं चाहिए इसमें, ये सड़ना नहीं चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा इससे बचाने की कोशिश करेंगे और हम इसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखेंगे, एकदम ऐसे फ्लोर में इसको टच नहीं होना चाहिए, टच कराएंगे नहीं। रॉटिंग से बचाने के लिए इसमें हमने यूज़ किया एलोवेरा। ये एलोवेरा की डाली हमने तोड़ के लाए हैं, ब्रांच है छोटा सा, इसमें हम इसका जेल लगाएंगे। ये देखिए अब हमने क्या काम करना है, इसको सस्पेंडेड फॉर्म में रखना है ऐसे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये फॉर्म है, ये लिया है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकता है, जो गद्दे की दुकान होती है वहाँ से जो बेचते हैं वहाँ से इस टाइप का फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए हमने इस फोम एक इलास्टिक की तरह काम करके इनको इरेक्ट रखता है, नीचे टच नहीं होगा, ये जल्दी इसमें रूट ग्रोथ होगा। ठीक उसी तरह अब हमारे पास एक ये बच गया है, हमारे बहुत ही सिंपल है। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना सिंपल मेथड है, ये क्या साझा करने की चीज़ है, ये तो बहुत आसान है। तो दोस्तों बोगेनवेलिया को पानी में प्रोपेगेट कराना है, इसमें थोड़ी सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहली बात हमने आपको बताई कि इसके ब्रांच का सिलेक्शन कैसा करना है। तो ब्रांच के सिलेक्शन में हमने बता दिया कि ये मोटा होना चाहिए, 2 पेंसिल के बराबर अगर मोटा आप ये इसकी डाली काटते हैं, ब्रांच काटते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो इसके ग्रोथ की चांस बहुत ज़्यादा होगी, सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। अगर पतली डाली लेंगे तो उनका सक्सेस रेट कम होता जाएगा, जैसे आपने 4 लगाया हो सकता है एक ही निकले, 2 ही निकले। दूसरी बात, जार का सिलेक्शन करना है हमने, ये शीशा का होना चाहिए दोस्तों। प्लास्टिक में अगर आप ग्रो करते हैं या दूसरे में ग्रो करते हैं तो उसमें फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए
आपने जब भी ये जार लेना है ये प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, शीशे का होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी हमने आपको बताई, सस्पेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। चौथी चीज, चौथा हमने क्या काम करना है, ये पानी कितने दिनों में चेंज करेंगे, ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों पानी हमने चेंज करना है हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक इसको चेंज कर देंगे, नया पानी डालेंगे, थोड़ा सा एलोवेरा का जेल हल्का सा इसमें डाली में लगा के और मिक्स करके लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल मैक्सिमम आप दो हफ्ते तक ही आपको यूज करने की ज़रूरत होगी, उसके बाद शायद ज़रूरत नहीं होगी इसकी, ये शायद क्या बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होगी इसको यूज करने की। और एक सावधानी ये है, इस एलोवेरा जेल को आप ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। जैसे आप सोचते हैं पूरा एक चम्मच निकाल के मैं इसमें डाल दूँ, तो दोस्तों अगर आप उतना डालते हैं आपको फील होगा वन वीक बाद क्या होगा, इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगा, मतलब बदबू आना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा ये सड़ रहा है, रोटिंग हो रहा है। दूसरी बात है, आपने इसको देखते रहना है, जैसे हफ्ता हो गया अब फिर हम इसको खोल के देख लेते हैं ऐसे, क्या इसमें कोई ऐसे कोई फंगस फंगस या रोटिंग तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही फिर हम इसको डाल देंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं ये होगा कितने दिनों में, दोस्तों जब ये वन वीक आपका अगर चल जाता है, वन वीक तक तो इसमें आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लगेगा वैसे ही है। इवन ये हो सकता है अगर कोई छोटे मोटे पत्ते इसमें लगे हुए हैं ये भी सूखने लगेंगे, आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो सूख ही गया जी, काम का चीज़ नहीं है। एक हफ्ता तक तो कुछ नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद एटलीस्ट दो हफ्ता जब आपका टाइम निकलेगा तो इसमें दोस्तों ऐसे व्हाइट डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, शायद दूर से उतना क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे व्हाइट डॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको व्हाइट डॉट्स आ रहा है तो आप खुश हो जाइए, आपकी कटिंग बिल्कुल ही सही ट्रैक पे है और ये सही चल रहा है, ये कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है, ये रूट्स हैं जो ग्रो होने शुरू हो गए हैं। रूट्स सबसे पहले ये डॉट्स के रूप में ही निकलेंगे, उसके बाद ये बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हमने आपको अब दिखाता हूँ कि हमने ग्रो कैसे कराया। ये देखिए, ये बोगेनविलिया है, ये हमने दो महीना पहले लगाया था, एग्जैक्ट 24th of April को हमने ये लगाया था। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 25th of June को। इसको देखिए, इसमें आप रूट्स देख सकते हैं और इसमें ये जो डाली है ये आप देख सकते हैं, ये रूट्स ग्रोथ हुआ है। तो आप सोचेंगे क्या दो महीने लग गया, दोस्तों ये दो महीने लग गया नहीं लगा, हम वीडियो बाद में बना रहे हैं। इन एक महीना होते होते इनमें ठीक ठाक डालियाँ निकल गई थी और इनका ग्रोथ चालू हो गया था। दो हफ्ते में डॉट्स आ गए थे, दो हफ्ते बाद ये रूट्स निकलने शुरू हो गए थे और यहाँ से डालियाँ निकलनी शुरू हो गई थी, दोनों एक ही साथ निकल रहे थे। ये देखिए दोस्तों, एक हमारे पास और है सेम मेथड। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमने ये दो में क्या लगाया, एक ही में लगा सकते थे, एक ही में तीनों डाली जो कटिंग है उसमें हम लगा सकते थे, तो हमने अलग इसलिए किया किसी कारण से अगर हमारी कटिंग में रोटिंग होती है, रूट रोटिंग होती है या ग्रोथ नहीं होता है, तो दूसरी जो ब्रांच है हमारे, दूसरी जो कटिंग है वो ख़राब नहीं हो, तो हमारा पर्पस यही था लगाने का और कुछ नहीं। अब इसको हम लोग रखेंगे कहाँ दोस्तों, इसको बिल्कुल ही हमने शेड में रखना है बट ब्राइट प्लेस पे। ब्राइट प्लेस कैसे रहेगा, तो शेड में डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ब्राइट प्लेस हो जहाँ आप बैठ के बिना लाइट जलाए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, वो ब्राइट प्लेस सही है। क्योंकि इनका जो फंडा है यही है, इनकी जो ग्रोथ होती है या ये जो कोई फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके लिए इनको अल्ट्रावायलेट रे चाहिए, वो डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़्यादा होता है, जो इनडायरेक्ट सनलाइट होता है उसमें कम होता है। तो ये चूँकि कटिंग हम ग्रो कर रहे हैं तो इसमें इनको थोड़ा सा चाहिए कि इनको ग्रोथ भी होता रहे और ये रूट भी ग्रो करते रहें, तो हमें इसको रखना है शेड बट ब्राइट प्लेस पे रखना है। अब दोस्तों ये जो हमारा कटिंग हो गया है, ग्रो हो गया, अब हम इसको लगा सकते हैं, ये रेडी है, इसको हम लगा सकते हैं गमले में या छोटे से जो बैग होते हैं, जो ग्रो बैग होते हैं उसमें हम लगा सकते हैं, ये पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना बोगनवेलिया की कटिंग कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। बोगनवेलिया का पेड़ आपने देखा होगा, जो लोग कभी अपने कैंपस में लगाते हैं, गेट पे लगाते हैं या पार्क में देखा होगा, बहुत बहुत बड़े पेड़ होते हैं। आप सोचते होंगे कि ये गमले में लग सकता है कि नहीं, दोस्तों 12 इंच का गमला है, उसमें बोगनवेलिया अच्छे से लग सकता है, इसमें अच्छी फूल भी खिलेगी और अच्छा ग्रोथ भी होगा। बस आपने क्या करना है, उसकी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन करनी है और दो तीन साल में एक बार इसका रिपोर्टिंग करना है।
मुझे लगता है दोस्तों आज का वीडियो सफिशियंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है कि अच्छा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपका अगर कोई फीडबैक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद।